जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सेना में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की काफी बड़ी भूमिका होती है। इनके बिना सेना के जवानों को लाने ले जाने में काफी मुश्किल हो जाती है। ये व्हीकल सेना की बैकबोन होते हैं। तो आइए जैसे ही भारतीय सेना के ट्रक्स के बारे में जानते हैं जो भारतीय सेना के बैकबोन की तरह हैं। दोस्तों वैसे तो इंडियन आर्मी में कई टाइप के ट्रक का इस्तेमाल होता है, पर इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रक्स के बारे में जानेंगे जो इंडियन आर्मी में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं और जिनका काम सैनिकों को लाने ले जाने का होता है, यानी सिर्फ हम प्राइमरी लॉजिस्टिक ट्रक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में दो कंपनी के ट्रक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है अशोक लीलैंड स्टेलियन और दूसरा है टाटा LPTA। तो सबसे पहले आइए टाटा LPTA के बारे में जानते हैं। दोस्तों टाटा LPTA ये एक मिलिट्री ट्रक है और इसे इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्योंकि इंडियन आर्मी को नए पावरफुल ट्रक्स की जरूरत थी, इसलिए इसे खरीदा गया था। दोस्तों इस ट्रक को लाइसेंस के द्वारा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाया जाता है, जो आपने इन ट्रक्स के ऊपर लिखा भी देखा होगा। दोस्तों इस समय इंडियन आर्मी टाटा ट्रक्स को इस्तेमाल करने में दुनिया में सबसे बड़े यूजर्स में से एक है। वहीं जवानों और हथियारों को लाने ले जाने का काम यही ट्रक करते हैं, इसलिए ये ट्रक इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह काम करते हैं। जिन जगहों पर अशोक लीलैंड स्टेलियन के ट्रक नहीं जा सकते, उन जगहों पर भी ये ट्रक आसानी से जा सकते हैं। और ये ट्रक 2015 से इंडियन आर्मी के सर्विस में आना शुरू हुए थे। दोस्तों ये ट्रक 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 चेचिस और 12x12 के वेरिएंट में आते हैं। 4x4 स्मॉल ट्रक होते हैं और 12x12 के ट्रक हैवी यूज के लिए होते हैं और काफी बड़े होते हैं। जैसे 8x8, 10x10 और 12x12 के ट्रक्स का इस्तेमाल मिसाइल्स या दूसरे हथियारों के लिए होता है, वहीं 4x4 और 6x6 ट्रक्स का इस्तेमाल ज्यादातर जवानों को लाने ले जाने के लिए होता है। और इन ट्रक्स में ऑफ रोड कैपेबिलिटीज होती है, यानी ये पहाड़ी इलाकों, बर्फीले इलाकों और ऑन रोड ऑफ रोड कहीं भी आसानी से चल सकते हैं। इन्हें खासकर ऐसी ही जगहों पर चलने के लिए बनाया जाता है और इन ट्रक्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती है। और मौजूदा समय में 15,000 से भी ज्यादा ऐसे ट्रक्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस में हैं। दोस्तों ऐसे ट्रक को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर इंडिया में ही बनाया जाता है। वहीं अगर इसके खासियतों की बात करें तो इस ट्रक के 6x6 वेरिएंट का वजन 23,000 किलोग्राम है, वहीं इसके 12x12 चेचिस वेरिएंट का वजन 53,800 किलोग्राम है और इसके हर एक वेरिएंट का वजन अलग अलग होता है। और इन ट्रक्स की पेलोड कैपेसिटी भी 8.5 टन से 33 टन है और ये भी वेरिएंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इस ट्रक में 6 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूल डीजल इंजन लगा हुआ है और ये ट्रक 155 हॉर्स पावर से 525 हॉर्स पावर तक आते हैं। जितना बड़ा ट्रक रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाता है। दोस्तों हॉर्स पावर का मतलब इंजन की शक्ति होती है कि ये कितना तेज चल सकता है। वहीं इसकी फ्यूल कैपेसिटी 400 लीटर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज लोड होने के बाद 600 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों बॉर्डर्स एरिया में इन्हीं ट्रक्स की मदद ली जाती है जवानों को लाने ले जाने में, और ये ट्रक खराब से खराब सिचुएशन में काम कर सकते हैं क्योंकि इन्हें डिजाइन ही इसी टाइप से किया जाता है कि आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और इस समय इस ट्रक के 4x4, 6x6 और 8x8 के वेरिएंट सर्विस में है और 12x12 के लिए टाटा ने इंडियन आर्मी को ऑफर दिया है। तो दोस्तों अब आइए अशोक लीलैंड स्टेलियन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अशोक लीलैंड स्टेलियन ट्रक को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाता है। इसे लाइसेंस द्वारा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ही बनाया जाता है। इंडियन आर्मी में इस समय 60,000 से भी ज्यादा अलग अलग वेरिएंट के ये ट्रक सर्विस में हैं। दोस्तों 1997 में भारतीय सेना को शक्तिमान को बदलने के लिए एक नए ट्रक की जरूरत थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने इस स्टेलियन ट्रक को चुना था। उसके बाद ये ट्रक इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह हो गया है। यह एक मल्टी ट्रेन लॉजिस्टिक ट्रक है जो -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में काम कर सकता है। स्टेलियन में 6 सिलेंडर वाला टर्बो चार्ज डीजल इंजन है। इसकी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस ने इसे बर्फ, रेगिस्तान, पहाड़ या जंगलों जैसे हर इलाके में इसे सफल बना दिया है। और ये ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और 800 से 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दोस्तों स्टेलियन ट्रक के 4x4 चेजिस के वेरिएंट जवानों को लाने ले जाने का काम करते हैं और 5 से 7.5 टन इस ट्रक की पेलोड कैपेसिटी है। वहीं दोस्तों स्टेलियन ने 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसने सैनिकों को लाने ले जाने में काफी बड़ी भूमिका अदा की थी। इतना ही नहीं, इसने बहुत जरूरी गोला बारूद और राशन को भी पहुंचाने में मदद की थी। स्टेलियन पूरी तरह से स्वदेशी ट्रक है और इसे भारत में ही बनाया जाता है और इसका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम है और ये एक दमदार ट्रक है।
दोस्तों इस ट्रक का एक नया वेरिएंट भी है जिसका नाम सुपर स्टेलियन है। सुपर स्टेलियन स्टेलियन का अपग्रेडेड वर्जन है। ये ट्रक ज्यादा पावरफुल और हेवी यूज के लिए बनाया गया है। वहीं दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।